दोस्तों 5 मार्च हो चुकी है, रियलमी 6 और 6 प्रो दोनों लॉन्च हो चुके हैं। तो 6 प्रो के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उसकी क्या है प्राइस, क्या है उसके स्पेसिफिकेशंस, क्या आपको कंसिडर करना चाहिए, या फिर आप इसके अलावा किस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं, क्या रियल में ये फ़ोन इस प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। बाकी कुछ अपने ओपिनियंस आपके सामने पेश करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है इस वीडियो के अंदर, और आपको पता भी लगेगा कि ये फ़ोन इस प्राइस में क्यों आया और क्या इसकी वजह रही होगी। तो मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको मिलती हैं टेक वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिना किसी देरी के बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाया करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। जी हाँ, सबसे पहले डिस्प्ले की ही बात होती है और डिज़ाइन की बात होती है। तो डिज़ाइन और डिस्प्ले, डिज़ाइन की बात करूँ तो जैसा सेम टू सेम पहले आता रहा है, इस बार भी वैसा ही डिज़ाइन है। बस ये है कि कलर चेंज हो गया है, एक ऑरेंज और ब्लू, दो कलर में ये आया है, जिसको हम इन्होंने बोला है लाइटनिंग ब्लू और लाइटनिंग ऑरेंज। जी हाँ, कलर चेंज है, लेकिन डिज़ाइन आपको जैसे 4 कैमरे का सेटअप मिलता है बैक साइड में एक स्ट्रिप में, वही सेम कैमरा सेटअप है। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर साइड से हटके, बैक से हटके साइड में आ चुका है। जी हाँ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आपको मिलता है। बाकी फ्रंट साइड की बात करें तो वहाँ पर आपको डुअल पंच होल कैमरा मिल जाते हैं, फुल स्क्रीन व्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस बार अगर हम बात करें तो स्क्रीन में यानी डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है रियलमी ने, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ी सी मैं कहूँगा कॉन्स है कि जैसे कि इन्होंने कहा है कि हम रियलमी एक्स के जो सीरीज़ है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं 6 प्रो से, तो ऐसा मुझे लगा नहीं, क्योंकि भैया उसके अंदर तो आपको XT हो या फिर आपकी X2 प्रो हो तो या फिर X2 हो, उनके अंदर सभी के अंदर आपको देखने के मिलती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर आपको मिली है IPS LCD डिस्प्ले। तो अपग्रेड तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि रियलमी 6 प्रो जो आया है वो रियलमी 5 प्रो से अपग्रेड है, लेकिन रियलमी X सीरीज से अपग्रेड नहीं है। माधव सेठ जी ने कहा तो मैं ये कहूँगा कि उनकी ये बात बिल्कुल गलत है, उन्होंने X को अपग्रेड नहीं किया है, X को तो उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। फ्रंट और बैक दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है 6.67 इंच की, जो कि काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज के साथ में आपको मिल रही है, तो दैट्स वेरी गुड थिंग। फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में तो देखने में फ़ोन फ्रंट साइड से काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बैक साइड से वही ट्रेडिशनल लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन का 720G यहाँ पर यूज़ हुआ है। जी हाँ, 720G जो है वो अपग्रेड के रूप में माना जाता है 710 या 712 के, लेकिन यहाँ पर जो 730G है उसके साथ हमने इसका कंपैरिजन किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा। 720G में हमने उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया कि क्या क्या चीज़ें ये सपोर्ट करता है। बाकी यहाँ पर जो कोक्टा कोर प्रोसेसर है उसके अंदर आपको कोर्टेक्स की A76 कोर यूज़ हुई है, 2.3 GHz तक ये आपका क्लॉक कर सकता है, 8 नैनोमीटर पर बना हुआ है, तो बैटरी एफिशिएंट ये जो प्रोसेसर है वो आपका होने वाला है। नेविक को सपोर्ट करता है, जी हाँ, नेविक यानी कि नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। जी हाँ, ये इंडिया का अपना GPS सिस्टम है नेविक, जिसको ये सपोर्ट करता है। ये डुअल बैंड पर वर्क करता है और यहाँ पर आपको अप टू 10 मीटर एक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है, दैट्स अ गुड थिंग कि आज इसके अंदर नेविक GPS सिस्टम का यूज़ हुआ है, अपने इंडिया के GPS सिस्टम का यूज़ हुआ है। बाकी नेविक क्या है इसके बारे में मैं प्लान कर रहा हूँ एक एक्स्ट्रा वीडियो लाने की, एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की, तो उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अलावा और क्या क्या चीज़ इसमें खास मिलती हैं, GPU आपको 618 मिल जाता है जो सेम 730G में है, तो गेमिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है, PUBG भी आप आराम से HD सेटिंग में खेल पाओगे। सेल्फी कैमरे की बात करें तो सामने की तरफ आपको पंच होल कैमरा मिल जाता है, डुअल पंच होल कैमरा। जी हाँ, फुल स्क्रीन साइड में डुअल पंच होल, जैसे कि हमने पोको X2 में देखा है वहाँ पर आपको मिलते हैं डुअल पंच होल, सेम उसी टाइप का यहाँ पर भी पंच होल कैमरा मिल जाता है 16+8। जी हाँ, 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर वाइड सेंसर, जो 105 डिग्री तक आपकी पिक्चर क्लिक कर सकता है। बाकी अगर बैक कैमरे की बात करें तो वहाँ पर आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिला हुआ है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर जिसका अपर्चर है 1.8, साथ में आपको मिलता है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, साथ में आपको मिला है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। ये काफ़ी अच्छी बात है, एक नया अपग्रेड है इस प्राइस में और इस सीरीज में, दैट्स अ गुड। इसके अलावा अगर हम बात करें चौथे कैमरे की तो वहाँ आपको मिला है 4 सेंटीमीटर का मैक्रो लेंस, तो कैमरा डिपार्टमेंट मैं कहूँगा बेटर है, इवन बहुत ज़्यादा बेटर है अपने
अपने Realme 5 Pro वाली सीरीज से, तो ये डिपार्टमेंट मुझे काफ़ी बेटर लगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको नाइट स्केप 3.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जो आपकी नाइट में पिक्चर काफ़ी अच्छी क्लियर करेगा, और साथ में एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट और Realme UI आपको इस मोबाइल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। आप लाइव बुके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और अल्ट्रा वाइड वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये इस मामले में काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से X सीरीज में आप लाइव बुके वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे थे, उसी टाइप से आप Realme 6 Pro में भी लाइव बुके वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर अंतुतु स्कोर की बात करें तो Realme ने क्लेम किया है कि इसका अंतुतु स्कोर 280K के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है, इवन मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन G90T और इनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग आसपास ही प्रोसेसर रहता है, लेकिन उस हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा कर दी गई है, वो आपको अभी पता लगेगा। 4300 mAh की आपको बैटरी देखने के लिए मिलती है यहाँ पर, 30W का फास्ट चार्जर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो आपकी बैटरी को 60 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, और Realme क्लेम करता है कि 30 मिनट में 62% ये चार्जर आपकी इस बैटरी को 4300 mAh की बैटरी को चार्ज कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस देख के आप शॉक हो जाओगे। जी हाँ, 664 वाला जो वेरियंट है उसकी प्राइस रखी गई है यहाँ पर 16999, या पूरे 17,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप 664 वाला वेरिएंट बाई करना चाहते हैं। तो अगर 6128 बाई करना चाहते हैं तो 17999 आपको खर्च करना पड़ेगा, अगर आप बाई करना चाहते हैं 8128, जाहिर सी बात है आपको 18999 बाई करना पड़ेगा। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है इस प्राइस रेंज में, तुम्हारा X2 खुद आ रहा है, जिसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह मिल जाती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, तो एक तरह से रियलमी से हम बात करें तो रियलमी ने अब खुद से ही X2 फ़ोन को ही इस फ़ोन से रिप्लेस लगभग नहीं किया है, क्योंकि X2 से बेटर ये फ़ोन नहीं है। लेकिन X2 और इसके प्राइस सेम है। मार्केट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इससे अच्छे फ़ोन पोको X2 इसको काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहा है, और इवन कुछ डिपार्टमेंट में इससे बेटर है, मैं ये कहूँ। अगर बात करें यहाँ पर Redmi Note 8 Pro की भी, तो Redmi Note 8 Pro और इसमें ज़्यादा बिग डिफरेंस भी नहीं आएगा, आसपास ही रहेंगे, बस ये है कि वहाँ पर डिस्प्ले थोड़ी सी अलग है। तो वहाँ पर अभी Redmi Note 9 Pro लॉन्च होने वाला है, जो कि 12 मार्च को आने वाला है, तो अब देखते हैं कि उसका प्राइस क्या रहने वाला है। मैं ये कहूँगा कि Realme ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है इस फ़ोन को इतना ओवर प्राइस्ड करके। मैं ये कहता हूँ कि इसका जो प्राइस है लगभग 15,000 होना चाहिए था 664 का, तब ये फ़ोन काफ़ी बेटर रहता। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ना इसमें सुपर एमोलेड दिया है, ना ही इन्होंने इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, ऊपर से प्रोसेसर भी 720G है, इतना ज़्यादा हैवी हाई एंड प्रोसेसर नहीं है, तो आई थिंक 17,000 इज़ नॉट जस्टिफाइड। 15,000 का लगा ये फ़ोन था, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, और मुझे लगता है कि रियलमी इस फ़ोन से अपनी मार्केट ख़राब करने वाला है, 6 और 6 प्रो से इनकी मार्केट ख़राब होने वाली है, इतना फ़ोन नहीं बिकने वाले हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। फिलहाल अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस फ़ोन को बिल्कुल भी बाय नहीं करता, मैं Redmi Note 9 Pro का वेट करता, और या फिर मैं Poco X2 को बाय कर लेता अगर मुझे जल्दी ही ज़रूरत होती। बाकी इन दोनों फ़ोन्स का, Realme 6 और 6 Pro का, हम बहुत सारे फ़ोन के साथ कंपैरिजन लेकर के आने वाले हैं, वाली वीडियो देखिएगा, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या जस्टिफाइड है या फिर नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं अगली वीडियो में इसके कंपैरिजन की, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।